दोस्तों दुनिया की सबसे पहली सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी है बजाज ने। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम उसी बाइक को देखने वाले हैं, उसको रिव्यू करने वाले हैं। एंड क्या वो बाइक आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, वो सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड क्योंकि ये बाइक नई है, ये तो हर कोई इसकी सिर्फ एडवांटेजेस बता रहा है, पर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होंगी ना, उनको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज अ रिएक्शन वीडियो एंड वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन गगन चौधरी वीडियो। द ओरिजिनल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। सो फटाफट से भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते क्या होता है। 3, 2, 1। चाबी से बात करेंगे सब चीजों। चाबी आ चुकी है बाइक में, हमारे सामने आ चुकी है दोस्तों। चाबी ऐसा कुछ खास अलग बताने लायक नहीं है चाबी में, तो मैं सीधा यहाँ पे देखने में तो वो काफी नॉर्मल बाइक है, लेकिन इसको सीट है मैं और आपको कई चीजों में आप हैरान हो जाओगे, परेशान नहीं होगे, हैरान होगे। सबसे पहली चीज जो है वो है आगे की तरफ से शुरू करते हैं। तीन मॉडल आएंगे इसके, 95,000 से शुरू होगी। टायर्स काफी अच्छे लग रहे हैं आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें जो टायर हैं वो थोड़े बड़े मिलेंगे आपको, मिलेंगे 17 इंच 16 इंच, बट ये टायर का चौड़ाई जो है वो भी थोड़ी ज्यादा है। बजाज का कहना है कि बाइक कहीं भी जा सकती है, पहाड़ों में चलाना है पहाड़ों में चलाना, एडवेंचर बाइक को भी आप इसको एडवेंचर बाइक की तरह यूज कर सकते हैं, इसलिए लोगों को लग रहा था कि आपकी हर जगह चलने लायक है, इसलिए हमको टायर ऐसे देने पड़े जो कि अलग अलग जगह बेचे तो समस्या ना आए। उसके बाद में ये जो गाड़ी है जो अभी मेरे पास में, इसमें एलईडी लाइट है जो लोअर में आता है, उसमें एलईडी नहीं मिलेगी उसको, आपको हैलोजन वाला बल्ब जो है मिलेगा। फ्रीडम बाइक का नाम है बजाज फ्रीडम। थोड़ी सी अलग लग सकती है कुछ कुछ एंगल से, कैमरा में थोड़ी ज्यादा लगती है, कैमरा में तो काफी सुंदर लग रही है, तो साइड में से लगती है यार। ये नॉर्मल कम्यूटर बाइक होती है, जैसे अपने स्प्लेंडर वगैरह 125 होंडा शाइन वगैरह, वैसी लगती तो नहीं है ये, कैसी भी अलग ही लगती है, बट बुरी नहीं लग रही है मेरे को तो। बाकी आप अपना हिसाब से देख के बता सकते हो, लुक थोड़ा सा डिफरेंट का ऑप्शन टॉप एंड में तो मिलेगा, तो वो यहाँ पे आप देख रहे हो। ये एडवेंचर बाइक भी नहीं है पूरी, ये एक नॉर्मल बाइक भी नहीं है, ऑब्वियसली सुपर बाइक भी नहीं है, स्पोर्ट्स बाइक भी नहीं है, किसी भी तरीके सबका थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, पूरा ऑल ABS वगैरह वो सब चीजें नॉर्म नहीं है, तो इस वजह से आता नहीं है वो वाली चीज। अगर नॉर्म होता तो क्या पता डाल भी जाता, बट हम भी गए थे बजाज के शोरूम पे पूछने के लिए, यहाँ पर यहाँ गुड़गांव में बता रहे हैं कि अक्टूबर तक अवेलेबल हो गया। ये जो एरिया है ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बजाज ने जो है टैंक भी फिट किया है, अभी कैसे किया है उन्होंने, एयर फिल्टर की जरूरत थी, इंजन तो था ही, तो यहाँ पे एयर फिल्टर डाला है, इधर फ्यूल टैंक डाला है, पेट्रोल डाला 2 लीटर का, बीच में जो है सिलेंडर पूरा जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बट आप उससे पहले इंजन देखो, 125 cc का इंजन जो कि 9 BHP के आसपास की पावर देता है, उतना ही टॉर्क आपको मिलता है, वो इंजन जो है सीधा ऐसे तरीके का जो आपने स्प्लेंडर देखा होगा, होंडा ने वैसे जो डेवलप किया था वैसा, और वो दो रीजन की वजह से, एक तो बजाज ने कम्प्लीटली नया इंजन बनाया, क्योंकि CNG जो है थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पर चलता है, थोड़ा ज़्यादा सूखा होता है, तो लुब्रिकेशन जरूरत होती है, ऑयल वगैरह जल्दी सर्विस की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उन्होंने पूरा नया ही डेवलप किया कि चलो उस हिसाब से डेवलप करेंगे कि ज़्यादा ऐसा एकदम से फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना पड़े। दूसरी चीज़ उनको जो है जैसे इंजन वो बनाते हैं उस तरीके का रखते तो CNG टैंक फिट करने में परेशानी होती, तो उन्होंने उस चीज़ में भी दिमाग लगाया। अब दो तीन चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ आपको, पहले तो 5 गियर है, एक आगे 4 पीछे वैसा सिस्टम है, भाई को मैसेज आ रहा है। उसके बाद में इधर देखोगे तो पेट्रोल टैंक के पास में ये जो आप देख पा रहे हो ये CNG का प्रेशर गेज है, जिससे आपको गाड़ी बिना चालू की पता चलता रहेगा भाई CNG का प्रेशर वगैरह कितना बना हुआ है। अंदर गाड़ी भी दिखाई उस पर भी आऊंगा मैं, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो ये यहाँ पेट्रोल टैंक है जो की बहुत ही हार्ड कुछ फाइबर टाइप से बना हुआ है आई थिंक, और ये इधर व्हाइट कलर का सीन, लेकिन यार ये सिलेंडर इतना निकला हुआ है बाहर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकते क्या इसके अंदर? आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अतरंगी चीजें नहीं करनी है, बाद में इसमें किक स्टार्ट आता है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक आता है, किक और भी सही है, कुछ अतरंगी चीजें नहीं करनी है आपको जो है ये खोलो यहाँ पे, ये देखो आपको ये हो गया पेट्रोल की टंकी। हालांकि बजाज का ये कहना है ये थोड़ा पेट्रोल धीमा बढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा सा हो रखा है ना टैंक, ऐसे ऐसे टेढ़ा सा माउंटेड है, अभी तो फुल हो रखा है, 2 लीटर तक का पेट्रोल उसमें आएगा, तो थोड़ा धीरे से बढ़ना बाकी को। बजाज का कहना है कि 1 रुपए में 1 लीटर तक, मतलब 1 किलोमीटर चल सकती है 1 लीटर में, आसपास ही सब कुछ कर दिया गया। ये बढ़िया चीज है, हर 2 साल में CNG सर्टिफिकेट कराना है, बजाज के सर्विस सेंटर पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है AIS 28, ये सेफ्टी की बात करता है, सेफ्टी की बात कर लेते हैं, सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है इस बाइक का, बाकी तो बाइक में सब कुछ सही है, फट जाएगा ये वो सब समस्या उनको पहले से बता दी, वो शुरू से ऑटो रिक्शा वगैरह बनाते रहे तो उनको पता था कि CNG बनाना कैसा है और लोगों के डाउट क्या होते हैं सेफ्टी का। उन्होंने बोला एक तो AIS 28 तो मुझे पता है, उन्होंने तो नहीं बोला, मुझे पता है ये 4 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए बनी हुई चीज है शायद, तो उन्होंने वही सेफ्टी मेजर फॉलो किए। फिर उन्होंने बोला हमने एक उसके ऊपर 10 टन का ट्रक निकाल दिया, हमने गाड़ी भिड़ा दी, हमने मल्टीपल टाइप के एक्सीडेंट्स करके देखे और ना तो लीक होता है। लेकिन सबसे बढ़िया गर्मियों में आएगा प्रॉब्लम, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर आपको पता कि नहीं जा रहा है, CNG बाइक के साथ कुछ हो सकता है। किलो का CNG 16 किलो नहीं है, टैंक का वजन है, CNG 16 किलो नहीं आने वाली है, CNG कम आने वाली है, CNG आपके पास में उसमें सिर्फ 2 किलो आएगी। इनफैक्ट प्रेशर के हिसाब से अगर देखोगे जैसा 1.8 1.7 ऐसा KG थी मेरे ख्याल से मोस्टली आने वाली है, बट बहुत बड़ा टैंक जो है वो यहाँ पे दिया गया है, और वो हम सब देख वो माइलेज जो है गाड़ी में, और CNG क्या देखो आप अलग अलग देश टोटल ये स्टेट में देखोगे 330 चले गया है, 77 रुपए कहीं पे जाके 93 95 मिलेगी, तो ऐसा डिफरेंस जरूर आ जाता है 1 किलो CNG का। बट
उस एक किलो सीएनजी पे, दो किलो सीएनजी पे गाड़ी टोटल जो है 210 किलो किलोमीटर के आसपास चलनी चाहिए, ये मेरा अनुमान है कि इतना चलनी चाहिए। बजाज थोड़ा कम बताता है, किसी ने बताया था 330 सीएनजी नापा जाता है, तो अगर आप बहुत तेज वगैरह चलाते हो तो कम चलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन आपके पास में फिर 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी है, और ये गाड़ी की सबसे मस्त बात जो है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट भी सीएनजी पे हो सकती है। आपकी गाड़ी आपको चाहिए तो चलते चलते सीएनजी से पेट्रोल पे शिफ्ट होती है। मान लो जैसे मैं चला रहा हूं, मैंने कर लिया स्टार्ट हो गई, ठीक है, अभी ये स्टार्ट हुई है पेट्रोल पे, मान लो मैंने अभी तो पेट्रोल पे कर रखा था इसलिए पेट्रोल पे होगी, अभी शिफ्ट नहीं होगी ये, अभी दबाने से शिफ्ट नहीं होगी, हल्का सा एक्सेलेरेटर मारूंगा ना ये शिफ्ट होगी। यहाँ पे आपको दिखाता है शिफ्ट होगी, देखो इस तरह अगर आप देखोगे तो ये सीएनजी पे शिफ्ट होगी दिखा रहा है। अभी जब सीएनजी में चलती है ना एक ऐसे आवाज आती है, पता चलता है कि सीएनजी चेंज लग रहा है, पेट्रोल पे थोड़ी स्मूथ और थोड़ी सी ज्यादा तेज चलती है, तो पावर में फर्क है। जैसे पेट्रोल में सही थी, ईवी में आवाज नहीं थी, सीएनजी में आवाज रहेगी, लेकिन वो फिर भी पेट्रोल वाली तो नहीं रहेगी, आपको जो है नोटिस करने लायक चीज नहीं मिलेगी। हाँ, एक बड़ा फर्क है कि जब आप सीएनजी पे चला रहे हो, तो इसको मैं कर देता हूँ साफ, सीएनजी पे जब आप चला रहे हो ना, तो ये देखो आप यहाँ पे क्लॉक, ब्लूटूथ ऑन वगैरह भी इसके अंदर, ये हाँ, ये एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह जो है ये आपको सीएनजी पे थोड़ी सी बताएगा, बट पेट्रोल पे जब आप आते हो तो नहीं बताएगा। एक तो जब मैं ऐसा रेस खींच लूंगा, वार्निंग भी लिखा है सामने, लिखा हुआ सामने सीएनजी बचा हुआ है, तो आपके पास में फिर जो है गाड़ी अपने आप पेट्रोल पे आ जाएगी, वो बता देगी आपको कि पेट्रोल पे आ गई है। तो वो इसमें फीचर बनाया गया है कि जब जरूरत हो तो अपने आप पेट्रोल पे आ जाए, बट मोस्टली सीएनजी पे चलती रहेगी। अभी मैं इसको वापस स्विच करता हूँ और हल्का सा एक्सेलेरेटर ये किया हमने, वापस पेट्रोल पे आ गया। पेट्रोल पे जैसे आओगे देखो ये कांटा गायब हो गया, यानी कि पेट्रोल कितना है बताता नहीं है, 1 लीटर से कम पेट्रोल होगा तो लाइट आ जाएगी वरना नहीं बताएगा। और साथ ही में यहाँ पे एक सेकेंड रुको, ये आपके पास में जो मैं ऑप्शन बता रहा था कि फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह, वो नहीं बताता भाई पेट्रोल पे कि कितने किलोमीटर पर लीटर मिलती है। बजाज ने बताया कि 66 किलोमीटर पर लीटर जाएगी, यानी कि पेट्रोल पे आप लगभग 100-120 चले जाओगे और सीएनजी पे आप जो है 205-210 चले जाओगे, तो लगभग मोटा मोटी आपके पास में 350 के आसपास की अच्छी रेंज जो है वो ऑप्शन है, 350 या उससे कम ज़्यादा, डिपेंडिंग आप कहाँ कैसे चलाते हो। लेकिन कीमत में क्या है कि अगर आपके यहाँ सीएनजी सस्ता है तो आप मान लो कि जैसे जहाँ 100 रुपये आपके लग रहे थे वहाँ 40 लगेंगे, अगर आपके यहाँ थोड़ा महंगा सीएनजी तो जहाँ 100 लग रहे थे वहाँ के 50-55 लगेंगे, ये हिसाब चलने वाला है। मोटा मोटी अगर मैं सेफ तरीके से बोलूँ तो आपको जहाँ 2 रुपये में 1 किलोमीटर जाते थे एक बाइक में आराम से चल के, यहाँ पे 1 रुपये में 1 किलोमीटर जाओगे, ऐसा हिसाब अब जो है मोटा मोटी। इलेक्ट्रिक लोगों की अभी सस्ती पड़ेगी, लेकिन सीएनजी जो है अगर वो चाहिए आपको, चार्ज वार नहीं करना है, ज़्यादा रनिंग है या किसी भी रीज़न से चाहिए, तो मैंने आपको ये हिसाब जो है अभी यहाँ पे बताया। मैंने इसको चला ही नहीं है अभी तक, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हाँ चला के ऐसा क्लेम लग रहा है। मुझे दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, जिस तरीके से मेरे को समझ में आ रही है बाइक्स वगैरह, सीएनजी समझ में आता है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में एक और चीज़, हाँ एक सीट बहुत लंबी है, काफ़ी लंबी है, चार बंदे भी बिठा सकते हैं उस पे, यहाँ तक खत्म होती है। आमतौर पे टैंक थोड़ा ऊंचा होता है ना, तो सीट यहाँ यहाँ से शुरू होती है। अब टैंक नीचे है ना, कि आप इस पे 4-5 लोग बैठा के घूमो, बाइक पे 2 ही लोग के हिसाब से बाइक जो है सही रहती है, बट अब किसी की जरूरत कुछ कैसी हो उस पर डिपेंड करता है कि उसको सीट का इस्तेमाल करना है। मान लो जैसे मैं आगे आके यहाँ बैठ गया और यहाँ पे इन्होंने ये हुक दिए हैं, तो इस हुक में जो है आप चीज़ें सामने कैरी भी कर सकते हो और वो सब चीज़ें कर सकते हो। ये हुक बहुत ही ऐसा स्टर्डी टाइप स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। NG04 क्या है, ये मॉडल कोड है, गाड़ी का नाम तो Freedom 125 है, बट NG04 जो है मॉडल कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में एक और चीज़, इंडिकेटर वगैरह आपको दिखाता हूँ मैं कैसे हैं, नॉर्मल आगे हेलोजन जो है इंडिकेटर, सुपर स्प्लेंडर टाइप के नहीं लग रहे, सुपर स्प्लेंडर में जैसे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी जो है हेलोजन इंडिकेटर आपके पास में दिए गए। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे LED दी हुई है, ठीक है, ये स्क्रू देख रहे हो, ये वाला और ये वाला स्क्रू, ये बहुत ही गजब चीज है। क्या है कि मैंने आपको बोला ना कि 2 साल में सीएनजी का सर्टिफिकेशन होगा, या किसी भी रीजन से सीएनजी टैंक आपको रिमूव करना, ये खोल के अगर आप खींचोगे हटाओगे तो आपके पास सीएनजी टैंक का सीधा एक्सेस होता है, वो बढ़िया चीज है। जैसे ये जो चीज दी गई है यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं जो दिमाग लगाया जाए, वैसे दी गई है पता नहीं क्यों, आई थिंक पानी वानी ऐसे फ्लो हो जाए या किसी रीजन की वजह से दिया होगा, बट इसका कुछ यूज इसमें पानी नहीं उठ जाएगा जाली में। यहाँ पे बाय द वे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, स्विच गियर दिखाना भूल गया मैं आपको, ये पेट्रोल सीएनजी कैसे चलाना है वो कर सकते हो, हाई बीम लो बीम, लाइट काफ़ी ब्राइट लग रही है वैसे अभी तो। यहाँ पे इंडिकेटर, ये आपका ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट होगा, टॉप मॉडल में आएगा ये फीचर, नीचे वालों में नहीं आएगा, जो 1,10,000 वाला उसमें आएगा, तो उसमें आप ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट करोगे तो उठाने और काटने का जो है ऑप्शन दिया गया है। आपका फ़ोन अगर कनेक्ट होगा या नहीं कनेक्टेड है, कनेक्ट करना है आपको, तो आप जो है ये क्लॉक और ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ ऑन देख रहे हो यहाँ से आप करोगे। अब ये Freedom 72 इसका नाम दिया हुआ ब्लूटूथ का, आप सेट वैसे कर सकते हो। ऊपर की तरफ कुछ वार्निंग लाइट वगैरह आप देख ही पा रहे हो, इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हो, सीएनजी पेट्रोल और इंजन चेक लाइट आई तो वो यहाँ पे। अभी ये सब फ्यूल इंजेक्शन बाइक वगैरह हो गई, यार मैंने इतनी देर चालू क्यों छोड़ दिया यार बाइक, हाँ भाई तो ये कभी कभी बंद हो जाती है एकदम से ऐसे, मतलब आप झटके से कुछ करना चाहो ना, अभी तो नहीं होगी लेकिन कभी कभी हो जाती है। अरे हाँ एक और चीज़ ये देखो आप, यहाँ पे ये जो चीज़ है
ये है आपके पास में यूएसबी ए। तो अगर आप चलते वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर स्कूटी में या फिर बाइक में यूएसबी है ना, ज्यादा अच्छा चार्ज नहीं करता, ज्यादा अच्छा नहीं करता, लंबी मिलती है, कर देगा लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं करता। बैंक है तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मेरी चीज हो गई है ये गाड़ी की, वो एक दिक्कत जो है यहां पे है, डिसएडवांटेजेस पे आ गए दोस्तों। बैठोगे तो अगर आपकी हाइट छोटी है तो समस्या आ सकती है, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, मैं एंड करते हुए वीडियो के मैं इस पे बैठा कैसा लग रहा हूँ, मेरी हाइट 5'8" है जो कि आमतौर पे इतनी होती है लोगों की हाइट, वो वाली चीज़ यहाँ पे है। हाँ, पीछे का टायर भी लोअर मॉडल में थोड़ा सा पतला आएगा, यहाँ पे काफ़ी मोटा है, यहाँ पे तो 120/70/16 है मेरे ख्याल से, नीचे वाले में 90/90/16 ऐसा कुछ आएगा, या 100/90/16 ऐसा कुछ आएगा। आवाज़ फिर से सुनाता हूँ, अगर आपको ढंग से नहीं सुनाई आवाज़ ठीक ही है, ये आवाज़ है अभी पेट्रोल पे, ठीक है, ठीक ठाक है, बस ठीक ठाक, अच्छी बुरी मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है इसमें, ठीक ठाक है। और पेट्रोल से आप आ गए सीएनजी पे, ये शिफ्ट हो गई सीएनजी पे, ठीक है, तो यहाँ पे सीएनजी पे ज़्यादा अच्छी आवाज आ रही है, आवाज सी बढ़ गई है वो इंजेक्टर की, सीएनजी पे ज़्यादा अच्छी आवाज है भाई, कोई फर्क नहीं है आवाज में, कोई फर्क मुझे तो लग रहा है सीएनजी पे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, कोई ऐसा फर्क देखने को जो है वो नहीं मिल रहा है, ये बातें हैं, बाकी तो मुझे आपको लगा फर्क, मुझे तो लगा भाई, मुझे सीएनजी वाला थोड़ा ज़्यादा अलग से लगा, वो ज़्यादा बेटर लगा, सेफ्टी टेस्ट इन्होंने कर लिए हैं, अगर हो सकता है सिर्फ ही मंदा दी है, पेट्रोल सीएनजी पे कितनी चल रही है बता दी है मैंने आपको, सबसे बेस्ट चीज है इसकी एवरेज तो रहा है सॉलिड काम। वैसे एक सही बात बताऊं ना आपको, तो बजाज ने पहली मोटरसाइकिल, मतलब जो मैंने बोला ना कि वर्ल्ड फर्स्ट मोटरसाइकिल दुनिया में कहीं नहीं बनी सीएनजी, ऐसा है नहीं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से बनाई, कस्टम बहुत लोगों ने कर रखी है, कस्टम नहीं मानते कभी भी किसी चीज को, कंपनी की पहली है जो करने वाली है, ऐसे लोग अपना पहला ब्रांड जिसने बनाया, इससे पहले लोगों ने अपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाए होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के फोर्थ ईयर में लोग बनाते हैं, बड़ा मार्केट है उस तरीके से भी लोग जो है जुगाड़ करके सीएनजी बनाते हैं, बट कंपनी ने बनाई है तो टेस्ट करके बनाई है, गवर्नमेंट रेगुलेशन में सारे सर्टिफिकेट वगैरह पूरे करे, इसलिए ब्रांड का थोड़ा ज्यादा माना जाता है। बाकी कुछ और दिखाना हो मुझे तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है क्या इसके अंदर, ऐसा एकदम से दिख नहीं रहा है, हाँ शायद उसी के लिए इतना ये जुगत किया गया है, ये थोड़ा सा अलग सा लगा मुझे यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे जैसा कुछ दिखाना हो। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना, बाकी हमने पूरी की पूरी बाइक के बारे में सब कुछ देख ही लिया है कि भाई क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस पूरा देख लिया, पूरा रिव्यू कर दिया, एंड इनके चैनल को जाकर जरूर से सपोर्ट देना, आपने पूरी वीडियो यहाँ कर यहाँ तक देखी है तो मेरी तरफ से भाई साहब धन्यवाद है आपका, बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सायनारा, जय हिंद, जय भारत।